दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार सरकार 6,000 रुपये फिर से दे रहा है, तो ये पैसा किसे मिलेगा, क्या सच है क्या झूठ है, पूरा सही जानकारी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। ये पैसा जो बिहार में बाढ़ प्रभावित जिला है सिर्फ उसी जिले के आदमी को मिलेगा और इस बार पहले से तैयारी कर रहा है और आवेदन भी हो रहा है जिससे कि सभी को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि पिछली बार बहुत बहुत सारे आदमी को इसका लाभ नहीं मिला था, 4-5 महीना लेट से पैसा मिला था। इसलिए अभी से ही बाढ़ प्रभावित जिला में वार्ड सदस्य और मुखिया सभी से आधार कार्ड, बैंक का पासबुक मांग रहे हैं जिससे कि पोर्टल पर अपलोड किया जा सके और बाकी लिस्ट बना सके। ठीक है, क्या है ऑफिशियल नोटिस, अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस दे सकते हैं, ये है मधुबनी का। तो इसी तरीके से आपका जो भी बाढ़ प्रभावित जिला होगा सभी का नोटिफिकेशन आ गया होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपदा पीड़ित परिवारों को अनुग्राहिक राहत का भुगतान PFMS के माध्यम से करने हेतु परिवार की सूची NRC के आपदा संपूर्ति पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में, मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांग रहा है तो उसको अपलोड किया जाएगा NRC के पोर्टल पर। उसके बाद एक लिस्ट बनेगा, उसी के आधार PFMS के माध्यम से सीधा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं, उपयुक्त विषय प्रगति पत्र के द्वारा जिला अंतर्गत आपदा पीड़ित परिवारों के समस्त अनुग्रहिक राहत GR का भुगतान PFMS के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य दिया गया है कि आपदा पीड़ित परिवारों के मुखिया का नाम पूर्ण विवरण आधार सहित के साथ दिनांक 31/3/2021 तक NRC के आपदा संपत्ति पोर्टल पर अपलोड कराने का निर्देश दिया गया था, जो कि अघटन नहीं हो पाया, मतलब कि अपलोड नहीं हो पाया, बहुत आदमी जमा नहीं कर पाए थे। ठीक है, उसके बाद इसका डेट बढ़ा करके 11 मई 2021 कर दिया गया। ठीक है, जो भी मतलब कि ज़्यादा निर्देश दिया गया है कि वैसे सभी वार्ड जो बाढ़ 2017, 2019 और 2020 में प्रभावित हुए थे, वैसे परिवार जिन्होंने GR का लाभ दिया गया था, किसी कारणवश उसका नाम आपदा संपत्ति पोर्टल पर नाम दर्ज नहीं हो पाया था, उसको उसकी उसका जांच करके तो उसका जांच करके फिर से उसे पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या क्या लगेगा, सभी प्रभावित परिवार के मुखिया के नाम उनके आधार कार्ड एवं बैंक खाता की छाया प्रति से मिलान कर सही सही दर्ज किया जाए ताकि GR के भुगतान में डुप्लीकेसी एवं अवैध भुगतान से बचा जा सके। मतलब कि आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक का पासबुक लेगा, इसे मतलब कि अच्छे से जाँच करेगा, जाँच करने के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये निर्देश यहीं पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं, बाढ़ के समय में यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि केवल उसी परिवार को आपदा संपत्ति पोर्टल के माध्यम से GR का भुगतान किया जाएगा जो वास्तविक रूप से बाढ़ प्रभावित हुए हैं। जो परिवार प्रभावित नहीं हुए हैं उनका नाम संपत्ति पोर्टल पर दर्ज है तो उनका नाम हटाकर पंचायत प्रखंड अनुसर्वण समिति से पारित करा करके GR का लाभ केवल प्रभावित परिवार को ही दिया जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, अतः पुनः निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त सभी प्रभावित गाँव वार्ड की पहचान कर उनकी संभावित प्रभावित होने वाले परिवार का नाम आपदा संपत्ति पोर्टल पर इस डेट तक अपलोड कर देना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास आपका डॉक्यूमेंट लेने के लिए आपका वार्ड सदस्य आता है तो आपको जमा कर देना है। ठीक है, अगर आगे मतलब कि कोई भी योजना होगा तो उसका एक बेनिफिट आपको मिलेगा, मतलब कि अब बाढ़ प्रभावित अगर बाढ़ नहीं भी आता है उसके रिगार्डिंग कोई भी योजना आएगा तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा। इसलिए आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है ताकि आपदा आपूर्ति पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा। और इसी तरीके से सभी जो भी 28 जिला बाढ़ प्रभावित है बिहार में, सभी जिला का नोटिस इसी तरीके से जारी कर दिया गया होगा, बट इसमें डेट अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे डेट अलग अलग हो सकता है, तो आप देख लेंगे। लेकिन जितना जल्दी हो सके आपको खुद से मतलब कि जाकर के वार्ड सदस्य को अपना डॉक्यूमेंट जमा कर देना तो बेस्ट होगा, अगर अभी तक आपका वार्ड सदस्य आपसे डॉक्यूमेंट नहीं लिया है तो। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में 38 जिला है तो उसमें 10 जिला तो मतलब कि सूखा है और 28 जिला बाढ़ प्रभावित है, तो सभी जिला का वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ गया होगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, इसमें आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, तो आप इस तरीके से देख लेंगे। ठीक है, उसका जैसे आप नीचे करेंगे, नीचे करने के बाद आप यहाँ पे ये नंबर भी दिया गया है सिर्फ मधुबनी के लिए है, तो आपका जो भी जिला है, ठीक है,
उसका जिला का आप नोटिस निकाल लेंगे, नोटिस निकालने का आपको नंबर भी दिया जाएगा, इस पर आप कॉल भी करके अपना क्वायरी पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन कब जारी किया गया है, 19/5/2021 को, मतलब कि 19 अप्रैल 2021 को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया है कि ये फेक नहीं है। अगर आपके वार्ड सदस्य मुखिया आपसे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट मांगने के लिए आते हैं तो आपको जमा कर देना है, आपको ये नहीं सोचना है कि फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो बहुत सारे आदमी के मन में ये हुआ है कि हो सकता है मेरा डॉक्यूमेंट लेकर किस स्कीम में जोड़ा जाएगा, कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, तो ये सब भी बहुत आपके मन में होता है, तो ये सब टेंशन को भूल जाना है। यहाँ पर वो इसलिए पहले से तैयारी कर रहा है क्योंकि पिछली बार जो हुआ था तो बहुत सारे आदमी को 5-6 महीने लेट पैसा मिला था, बहुत सारे को मिला भी नहीं था, इसलिए पहले से तैयारी कर रहा है ताकि समय पे सभी को इसका लाभ मिल सके। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके मोबाइल नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।